कोई सबसे ज्यादा सुनने में और बोलने में यूज किया जाने वाला शब्द है वो इम्यूनिटी ही है। अब इम्यूनिटी कोई एक चीज ऐसा नहीं है कि आप कोई गोली खा लो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, दोस्तों ऐसा होता नहीं कभी। इम्यूनिटी आपके शरीर का संतुलन है, आप सीधा समझो आपके शरीर का कितना या कह लीजिए कि अंदर से वो क्षमता है जो किसी भी तरह के छोटे मोटे समस्या से खुद लड़ाई कर पाए, खुद अपनी रक्षा कर पाए। लेकिन आज देख जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा डाइट पैटर्न है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पे सीधा असर पड़ रहा है। और आप देख लीजिए कि किसी को थोड़ा सा मौसम बदल जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई इतनी जल्दी कैसे हो जा रहा है आपको, यानी आपका लंग्स पे असर पड़ रहा है, यानी वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, संतुलन ही मेंटेन नहीं कर पा रहा। आप देख लो कि थोड़ी बहुत उल्टी सीधी चीजें कई लोग खाते तो उनका पूरा डाइजेशन ही गड़बड़ हो जाता है। मतलब सीधी बात है कि शरीर उतना स्ट्रांग है ही नहीं कि आप कुछ अगर गलत चीज खा भी लिए, थोड़ी बहुत गलती से कई बार हो जाता है, तो आपकी पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, बट नहीं है। उसके बाद जो हमारा ब्लड इतना टॉक्सिंस हो गया, इतना गंदगी हो गया है कि मतलब किडनी पे पूरा असर कर रहा है, वो हमारे लिवर पे असर कर रहा है, स्किन के रोग लोगों को ज्यादातर हो रहे हैं, उसके बाद स्ट्रेस वगैरह। तो ये सब चीजें जब तक आप संतुलन में नहीं रखोगे, आप फाइटर ये सोच रहे हो कि ठीक रहोगे, होगा नहीं कभी भी। तो इम्यूनोडॉक रस जो होता है, इसमें जो जो चीजें पड़ी हैं उनका काम ही यही है कि शरीर की जो इंपॉर्टेंट शारीरिक क्रियाएं हैं उसको बैलेंस में रखना, ताकि आपका शरीर ठीक से फंक्शन करे और फिर अच्छे से वो स्वस्थ रहे। तो इम्यूनोडॉक रस में देखिए सबसे जरूरी होता है, इसमें यूज किया जाता है तुलसी, अदरक, मुलेठी। तो ये सभी चीजें मिलके वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन हमारे लंग्स के लिए बहुत जरूरी है, आपके सांसों का जो पूरा सिस्टम होता है उसको ये मजबूत रखते हैं, तो जिससे खांसी, जुखाम, सर्दी इन सब में आपको राहत मिलती है। दूसरी बात, एलोवेरा, त्रिफला और कोकम फल आपके पूरी पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं, जिससे क्योंकि देखो हमारे भारत में या पूरी दुनिया में 80% बीमारियां केवल पेट के वजह से हैं, क्योंकि आप अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छे से पचेगा नहीं, शरीर में गंदगी जमा होगी और उसके वजह से दुनिया भर की समस्या। और आपको मैं एक नहीं कई समस्याएं बता सकता हूं और धीरे धीरे ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा भी। तो पाचन के वजह से बहुत कुछ होता है, तो हमें उसको तो सबसे पहले सुधारना है, तो उसके लिए भी चीजें पड़ी है। इसके बाद जो है फाइटर, आपका ब्लड साफ रहना चाहिए, सबसे जरूरी चीज। पुनर्नवा है, किडनी और लिवर पे बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरी चीज है फाइटर, स्ट्रेस हमारा मेंटेन होना चाहिए, तो अश्वगंधा वगैरह। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, एक ही जड़ी बूटी के कई सारे काम होते हैं, और आपके कई सारे प्रोडक्टों में एक ही जैसी जड़ी बूटी पड़ी है लेकिन काम उसके अलग अलग होते हैं, तो उसका मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये इम्यूनोडॉक रस हो गया, इसमें क्या पड़ा हमने देखा। अब बात करेंगे कि इसको देना है किसको नहीं देना। देखिए इम्यूनोडॉक में मिठास ज्यादा है और वो भी सेब का, तो मिठास ज्यादा होने की वजह से जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है उनको तो इम्यूनोडॉक रस नहीं देना चाहिए। मतलब आप ऐसे समझो शुगर वाले लोगों को छोड़ दो, इम्यूनोडॉक रस उनको कभी मत देना है, नंबर वन। तो फाइज सर उनको क्या दिया जाए, इम्यूनिटी तो उनकी भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए क्लोरोडॉक और सीबक डॉक जूस एक प्रोडक्ट आता है जो शुगर वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी के लिए ठीक रहता है, आप उन दोनों में से कोई भी दे देना। अब तीसरी बात आती है कि इम्यूनोडॉक रस को कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो कई बार लोग 15 बोलते हैं, कई बार 20। देखिए इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है, 15 से 20 ml एक रेंज होता है, इस रेंज में आप किसी को भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट आपको जो भी मात्रा बताई जाती है, कोई भी, जैसे कभी काल में 25 ml भी बताऊंगा किसी किसी प्रोडक्ट में, किसी में 15 ml ही बताऊंगा, किसी में 20 ml बताऊंगा, तो ये जो स्टैंडर्ड डोज है, मतलब किसी की उम्र अगर 18 साल से ऊपर है और 50 साल तक है तो आप ये वाला डोज दे दीजिए, लेकिन जैसे उम्र बढ़ जाती है 55 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो फिर इतनी मात्रा में देना शुरुआत में अच्छी नहीं होती है, कम कर लीजिए थोड़ा सा। और बच्चों को तो भाई 10 ml से ज्यादा कुछ देना ही नहीं है, तो उसका तो आपको ध्यान ही रखना है। तो ये इम्यूनोडॉक रस प्रोडक्ट हो गया। अब चौथी बात, सर इतनी सारी चीजें बता दी, अब बताओ कि इसका समस्या में कौन सी समस्या में यूज होगा। तो भाई कौन सी समस्या में नहीं होगा आप मेरे से ये पूछो। कुछ समस्याएं मैं यहाँ पे बता देता हूँ और कुछ समस्याएं जो है फाइटर में आगे जैसे जैसे प्रोडक्ट आएंगे मैं बता दूंगा। तो पहला हम लोग त्वचा रोग में बात कर लेते हैं, स्किन एलर्जी। देखिए स्किन एलर्जी जो होता है जनरली क्यों होता है, वो एक्चुअली हमारे शरीर में जब ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है, ब्लड हमारा ठीक से काम नहीं, साफ नहीं रहता, तो हमें ज्यादातर कारण यही है, और कुछ पॉल्यूशन की वजह से, धूल की वजह से होता है। तो स्किन एलर्जी जब भी किसी को होती है तो हमें इम्यूनोडॉक के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट मिला के देने से वो फायदा होता है, तो एक बारी नोट करेंगे। देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की स्किन एलर्जी होती है तो आपको इम्यूनोडॉक रस या शॉर्ट 30
दोनों में से कोई एक देना होता है, इम्यूनोडॉक रस या शॉर्ट 30, दोनों में से एक। अगर आप इम्यूनोडॉक रस देते हैं तो 15 से 20 ml खाने के बाद दो बार लेंगे, और यदि आप शॉर्ट 30 यूज करवा रहे हैं तो एक शॉट आता है 30 ml का, जिसको आपको सुबह सुबह जैसे ही ढक्कन खोला एक शॉट 30 ml का छोटा सा आता है और पूरा हर दिन का एक रहता है डब्बे में, तो आप एक सुबह सुबह ले लेंगे। तो इम्यूनोडॉक है शॉर्ट 30 में से एक, और उसके बाद क्लोरोडॉक चाहिए होगा। क्लोरोडॉक जो है 20 ml दो बार चाहिए होता है खाने के बाद, जैसे दोपहर में खाना खाएं उसके बाद, तो इम्यूनोडॉक लिया उसके बाद ले लीजिए, या शॉर्ट 30 तो सुबह लिया तो फिर खाने के बाद क्लोरोडॉक दो बार ही, तो ये पीने के प्रोडक्ट। तीसरा हमें नीम कैप्सूल चाहिए, भाई उसके बिना तो काम चलना ही नहीं, इम्यूनोडॉक में भी नहीं है क्लोरोडॉक में भी नहीं, तो वी नीड दैट। एक नीम का कैप्सूल आप 12 बजे तक खा लीजिए, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आप ले सकते हो, दिन में एक बार लेना है, और शाम में ज्यादा लेने का कोई फायदा नहीं, आप सुबह लो बेटर है। तो ये पहली चीज। दूसरी बात, एक हमारे शरीर में ओमेगा 3 चाहिए होता है, स्किन एलर्जी से हमें फायदा करता है, तो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं ओमेगा डॉक करके हमारा, एक आपको रात में उसको चाहिए होता है। तो ये चार सबसे जरूरी प्रोडक्ट है, इसमें आप कोई बदलाव अपने से कर ही नहीं सकते। और रही बात, कई बार एलर्जी में लोगों को थोड़ी थोड़ी फाइटर खुजली होती है और थोड़े रैसेस बन जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा हमारा हील डॉक क्रीम आता है, जो मैं आपको आज के ट्रेनिंग में बताने वाला हूं, आप उसको देख लीजिएगा, तो उसको लगाने के लिए दे दीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसमें दो तरह के लोग मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको त्वचा में कोई रूखापन नहीं होता है, जैसे उनकी त्वचा थोड़ी सी नमी रहती है, और कुछ लोग होंगे कि बिल्कुल रूखा हो जाता है, जैसे मेरी स्किन उसी टाइप की है, रूखी हो जाती है, बहुत सारे लोगों का होता है। अगर उस व्यक्ति को एलर्जी हो गया है तो भाई उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एलोवेरा देना पड़ता है, वो उसके त्वचा की नमी को मेंटेन करता है। तो ये स्किन एलर्जी का प्रोडक्ट हो गया, और इसमें इम्यूनोडॉक हमने यूज किया। बाकी आगे बढ़ते हैं, इम्यूनोडॉक का बहुत सारा यूज है फाइटर, सबसे बेसिक प्रोडक्ट है, और बिना इम्यूनिटी के बाकी प्रोडक्ट ठीक से काम करेंगे नहीं, तो हमें इसको देना ही पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं पहले, और वहां और भी प्रोडक्ट बात करेंगे, इम्यूनोडॉक का आप देखेंगे बहुत सारा यूज आएगा। तो ये इम्यूनोडॉक कंप्लीट होता है। एक चीज और समझिएगा आप, चलिए मैं उसको आखिरी में बता दूंगा, अभी के लिए इसको हम लोग कंप्लीट समझते हैं।